चुकी हूँ 2 कप एक पतीले में। उसका डो बनाने के लिए कुकिंग ऑयल ली हूँ और सॉल्ट ली हूँ। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स यहाँ पे भुना मसाला बनाने के लिए मैं सोयाबीन बड़ी को एक बाउल में ऑलरेडी पानी में भिगो चुकी हूँ, अच्छे से सोक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। मसालों के लिए मैं यहाँ पे सब्जियों को अच्छे से काट के रख चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें मैं कैरेट ली हूँ, कैप्सिकम ली हूँ, कैबिस ली हूँ, ऑनियन को काट के रख चुकी हूँ, ग्रीन चिली ली हूँ। मसाला भूनने के लिए मैं यहाँ पे एक बाउल में ऑनियन, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ली हूँ, हल्दी पाउडर ली हूँ, जीरा पाउडर ली हूँ, चिली पाउडर ली हूँ, करी पाउडर ली हूँ, गरम मसाला पाउडर ली हूँ। फ्रेंड्स तड़का लगाने के लिए जीरा ली हूँ। फ्रेंड्स तड़का लगाने के लिए जीरा ली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देर ना करके मैं मैदा का एक परफेक्ट डो बना लेती हूँ रोल बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स पहले मैदा में मैं नमक ऐड कर लेती हूँ स्वाद अनुसार। बस फ्रेंड्स थोड़ा सा नमक मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर लूँगी फ्रेंड्स। इसको माखने के लिए अच्छे से पहले हम लोग ट्राई ही इसको मिक्स कर लेते हैं ऐसे ही हाथों से। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ऑयल, नमक और मैदा को ऐसे ही चलाते हुए हमको सारे चारों ओर अच्छी तरह से ऐसे ही मसलते हुए पूरी तरह से मिक्स करना है, ड्राई ही मिक्स करना है फ्रेंड्स। चलिए इसे कर लेते हैं। पहले एक ड्राई मिक्सचर बना चुकी हूँ। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े करके पानी ऐड करूँगी और इसका एक सॉफ्ट डो बनाऊँगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऐसे ही थोड़ा सा पानी हमें ऐड करना है, बस का एक सॉफ्ट डो बना लेती हूँ फ्रेंड्स। आप भी फ्रेंड्स वैसा ही कीजिएगा, थोड़े थोड़े करके पानी उसमें ऐड कीजिएगा और इसको मिक्स करके हाथों से एक सॉफ्ट डो बना लीजिएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डो जो है हमारा पूरी तरह से रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट डो बना है फ्रेंड्स। ऐसे ही पूरा सॉफ्ट डो अपने कंसिस्टेंस में पूरा रेडी है ये वाला डो। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग रोल बनाने के लिए मसाला बना लेते हैं। फ्रेंड्स मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में गैस पे पहले से ही प्रीहीट कर रही थी, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून। बस फ्रेंड्स हो गया, ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें सारे सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तब तक हम लोग सोयाबीन को निचोड़ लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सोक की हुई सोयाबीन बड़ी को अच्छी तरह से निचोड़ चुकी हूँ और इसको एक बॉल में रख चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल तो हमारा गर्म हो चुका था इसलिए सारी बड़ी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। इन सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स ऐसे ही चलाते हुए सारे सोयाबीन बड़ी को हमें फ्राई करना है पहले। बढ़िया हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद हम लोग इस पे सारे वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स बड़ी हमारी फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फ्राई की हुई बड़ी को एक बाउल में निकाल चुकी हूँ। अब हम चलते हैं सारे वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल और डाल रही हूँ। अब हम चलते हैं सेम कढ़ाई में जीरा डालते हैं। फ्रेंड्स मैं जीरा ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर लेती हूँ इसमें। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं अगर आप तीखा खाते हो तब। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स इसमें गाजर ऐड कर लेते हैं, बंद गोभी ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब ये सारे वेजिटेबल्स को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे कट्टी से चलाते हुए ऐसे ही फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर मैं ऐड कर चुकी हूँ, अब नमक ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नमक हल्दी पाउडर ऐड कर लिया। अब हम चलते हैं इसको मिक्स कर लेते हैं सब्जी में ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से और फ्राई कर लेते हैं सारी सब्जियों को। अब हम सब्जियों को अच्छे से फ्राई होने देते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे थोड़ी सी फ्रोजन ग्रीन पीस ली हूँ, आप चाहिए तो फ्रेश भी ले सकते हैं। अब हम इसको भी सब्जियों में ऐड कर लेते हैं फ्राई करने के लिए। फ्रेंड्स अब मैं इसमें ग्रीन पीस ऐड कर रही हूँ, इसे भी मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से और फ्राई कर लेती हूँ सारी सब्जियों के साथ। आप चाहे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपका जो मनपसंद है। फ्रेंड्स सारे वेजेज फ्राई हो चुके हैं, अब हम चलते हैं इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और मसाला भूनते हैं इसके लिए। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे वेजेज को एक प्लेट पे निकाल चुकी हूँ, अब हम चलते हैं मसाला भून लेते हैं। फ्रेंड्स मसाला भूनने के लिए फिर से मैं 1 टेबल स्पून ऑयल इसमें ऐड कर लेती हूँ।
फ्रेंड्स ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स ऑयल गर्म हो चुका है, फिर से मैं इसमें जीरा भी ऐड कर चुकी हूँ, जीरा भी तड़कने लगा है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं इसमें ऑनियन जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी एक टेबल स्पून। फ्रेंड्स मैं ऑयल में ऑनियन जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल चुकी हूँ, इन सबको भी अच्छे से मिक्स करके कर रही हूँ फ्रेंड्स ऑयल के साथ आप देख सकते हैं चलाते हुए। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर, नमक और सारे बाकी ड्राई मसाले ऐड कर लूँगी। फ्रेंड्स मैं इसमें हल्दी पाउडर एक पिंच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी मसालों के लिए बस, क्योंकि पहले से मैं भेजी में नमक ऐड कर चुकी हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा मसाले हमको नहीं चाहिए फ्रेंड्स इसके लिए। बस अब हम इसमें थोड़ी सी ड्राई मसाले ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स मैं इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर चुकी हूँ, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, करी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सबको हम लोग मिक्स कर लेते हैं अच्छे से फ्रेंड्स। ऐसे ही चलाते हुए फ्रेंड्स ऐसे ही मिक्स करना है सारे मसालों को। फ्रेंड्स मसाले हमें अच्छी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ, अब मैं इसमें थोड़ी सी टमाटो सॉस ऐड करूँगी। फ्रेंड्स मसालों से खट्टा मीठा फ्लेवर आने के लिए मैं इसमें टमाटो सॉस ऐड कर चुकी हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मसालों के साथ आप देख सकते हैं। अब हम लोग एक मिनट तक मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मसाले हमारे तेल छोड़ना शुरू करते हैं आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लूँगी और फ्राई की हुई सोयाबीन की बड़ी ऐड कर लूँगी। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फ्राई की हुई सोयाबीन की बड़ी ऐड कर चुकी हूँ, उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मसालों के साथ आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मसाले हमारे नीचे से लगने लगे तो इसमें थोड़ी सी हल्का हल्का करके गुनगुना पानी आप देख के चेक कर लीजिएगा, जैसे मसाले नीचे से ना लगे। मसालों में मैं सारे वेजेस भी ऐड कर चुकी हूँ, इन सबको भी मिला लेते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ। फ्रेंड्स मसालों को ढककर हम लोग 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें मैं थोड़ी सी पानी ऐड कर रही हूँ, वैसे इन सबको मिला के 30 सेकंड तक हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स मसाले हमारे भून के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ फ्रेंड्स मसालों के साथ ऐसे ही। फ्रेंड्स मैं मसालों को अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ कसूरी मेथी के साथ आप देख सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं फ्रेंड्स और गैस ऑफ कर देते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सारे भुने मसालों को एक बाउल में निकाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं कितना कलरफुल और बहुत ही स्पाइसी एकदम चटपटा मसाला हमारा रेडी है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स रोल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। रोल के लिए हमारा डो रेस्ट कर रहा है फ्रेंड्स पहले से ही, अब हम चलते हैं एक एक करके सारे रोल बना लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डो हमारा रेस्ट कर रहा था, अब हम चलते हैं इसके गोले बना लेते हैं पहले। फ्रेंड्स मैं जितना डो ली थी उससे मेरा 3 गोले बन चुके हैं, इसको मैं हाथों से ऐसे प्रेस भी कर चुकी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम लोग बेल लेते हैं अच्छी तरह से एक एक करके। फ्रेंड्स बेलने के लिए मैं यहाँ पे मैदा ले चुकी हूँ, इसके ऊपर डो के ऊपर मैं अच्छे से लगा लेती हूँ ऐसे मैदा को, और यहाँ पर हम लोग बेलना चालू करेंगे फ्रेंड्स ऐसे ही। चलिए फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से गोल शेप में बेल लेते हैं। फ्रेंड्स दूसरी तरफ मैं एक तवा बिठा चुकी हूँ गैस पे और तवा को प्रीहीट कर रही हूँ आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक रोल को अच्छी तरह से गोल शेप में बेल चुकी हूँ, अब हम चलते हैं इसको तवा पे डाल देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे तवा हमारा अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुका है, अब मैं इसमें रोल डालूंगी और इसको अच्छी तरह से दोनों साइड से सेक लूँगी। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर रोल डाल चुकी हूँ, अब इसको हम सेकने देते हैं एक साइड से अच्छे से। फ्रेंड्स तब तक हम लोग दूसरे वाले गोले को गोल शेप से बेल लेते हैं। फ्रेंड्स रोल का एक साइड सिक चुका है, अब मैं इसको पलट के दूसरे साइड कर लेती हूँ। अब दूसरे साइड से भी मैं इसको सिकने दूंगी फ्रेंड्स अच्छी तरह से। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा दूसरा रोल भी बेल के रेडी हो चुका है, गोल शेप में इसको मैं बेल चुकी हूँ आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स रोल रेडी है, अब मैं इसमें ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। सिक चुका है ये दोनों दूसरी तरफ से, दोनों साइड इसके प्रॉपरली सिक चुके थे, अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। अब ऑयल को मैं ऐसे ही कच्ची से चारों तरफ लगा लूँगी रोल का, एक साइड अच्छे से लगाने के बाद मैं इसको दूसरी तरफ पलट लेती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं दूसरी तरफ पलट चुकी हूँ रोल, इस साइड में भी मैं ऑयल ग्रीस करूँगी। फ्रेंड्स दूसरी साइड में पलट चुकी हूँ, इस साइड में भी ऑयल डाल चुकी हूँ और इसको मैं अच्छे से चला रही हूँ रोल के ऊपर ऐसे ही।
चारों तरफ लगा लेंगे फ्रेंड्स। हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे दोनों तरफ से। फ्रेंड्स रोल हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं ये वाली रोल को एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ज़्यादा इसको क्रिस्पी नहीं करना है हमको, बस फ्राई करना है दोनों साइड से। अब मैं इसको एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स मैं रोल को प्लेट पर निकाल चुकी हूँ, अब हम दूसरा रोल रेडी करते हैं। फ्रेंड्स सेम ही प्रोसेस है, इस रोल की पट्टी को भी मैं तवा पे सेक रही हूँ, दोनों साइड से उसके ऊपर सेक लूँगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दूसरा रोल भी हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे ही प्लेट पे निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स रोल का जो सीट है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए चलते हैं इसमें स्टफिंग भरते हैं और इसको रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स पहले हम लोग इसमें टमाटो केचप ऐड कर लेंगे, फिर टमाटो केचप को चारों तरफ जो रोल की सीट के ऊपर चारों तरफ हमको ऐसे ही चलाते हुए चारों तरफ लगाना है रोल की सीट का। हो गया, चारों तरफ लग चुका है। फ्रेंड्स मुझे थोड़ा ज़्यादा टमाटो केचप पसंद है, आपको अगर कम पसंद होगा आप तब फिर आप कम लगा सकते हैं फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स अब मैं इसमें थोड़ी सी लेटोस लीफ रख रही हूँ। फ्रेंड्स आप लेटोस लीफ ना रखना चाहे तब भी चलेगा, लेकिन रोल को थोड़ी सी हेल्दी करने के लिए मैं यहाँ पर लेटोस लीफ्स रख रही हूँ। बस फ्रेंड्स अब मैं इसमें स्टफिंग भरूंगी। पहले जो हम लोग भुना मसाला जो हमारा स्पेशल है यहाँ पे भुना मसाला का स्टफिंग में बनाई थी, वेज भुना मसाला, उसे भरूंगी मैं। बस फ्रेंड्स हो गया। नहीं फ्रेंड्स अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ऑनियन गार्निश करूँगी, ऐसे ही थोड़ी सी ऑनियन। बस फ्रेंड्स हो गया। अब मैं थोड़ी सी चाट मसाला स्प्रिंकल कर देती हूँ इसके ऊपर। बस फ्रेंड्स हो गया, चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं इसको अच्छी तरह से रोल कर लेते हैं। फ्रेंड्स हाथों से ऐसे ही हमको रोल करना है, ऐसे ही और कवर करना है ऐसे ही दोनों तरफ से। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे रोल की प्लेटिंग कर चुकी हूँ, कितना यम्मी टेस्टी रोल हमारा रेडी हो चुका है। आप भी फ्रेंड्स को घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिश, एग रोल विद भुना मसाला। उसको बनाने के लिए हमारी सारी सामग्री तो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है क्योंकि पहले से ही मैं रोल का शीट रेडी कर चुकी हूँ, भुना मसाला भी रेडी कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं एग रोल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स एग रोल बनाने के लिए मैं एक अंडा को फोड़ के ले चुकी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी नमक ऐड करूँगी, थोड़ी सी बस एक पिंच के करीब, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेती हूँ, थोड़ी सी मिर्च पाउडर ऐड कर लेती हूँ, एक पिंच हल्दी। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हल्दी नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर चुकी हूँ अंडा में। अब मैं चलती हूँ इसमें छोटी। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे चिकन मसाला पाउडर भी ऐड कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं कटी हुई धनिया पत्ता इसमें ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं धनिया पत्ता को भी मैं काट के ऐड कर चुकी हूँ। अब हम अंडा, फ्रेंड्स अब हम सारे मसालों को अंडा के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चलाते हुए ऐसे ही। फ्रेंड्स आप चाहें तो दो तीन अंडे भी ले सकते हैं, वो आपका मर्जी है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक ही अंडा ली हूँ, आपको ज़्यादा अंडा चाहिए होगा तो। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अंडा का जो मिक्सचर है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ मैं तवा को भी प्रीहीट कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स सेम तवा में मैं अंडा का ऑमलेट बना लेती हूँ। फ्रेंड्स सेम तवा में मैं अंडा को डाल रही हूँ, अंडा के मिक्सचर को डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसको चारों तरफ फैला देते हैं फ्रेंड्स अच्छी तरह से। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अंडा का मिक्सचर को मैं तवा पे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला चुकी हूँ गोल शेप में। फ्रेंड्स अब मैं रोल सीट को अंडा के ऊपर ऐसे ही रखूँगी प्रेस करते हुए। आप देख सकते हैं ऐसे ही प्रेस कर लेंगे हम हाथों से अंडा के ऊपर रोल की सीट को। अब हम लोग कच्ची से इसको प्रेस करेंगे। बस फ्रेंड्स हो गया, 30 सेकंड तक ऐसे ही इसको फ्राई कर लेते हैं। 30 सेकंड तक एक साइड को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स एक साइड हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं रोल को दूसरी तरफ पलट देती हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रोल की दूसरी तरफ भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसको प्लेट पर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर रोल को एक प्लेट पर निकाल चुकी हूँ, अब हम चलते हैं इसको रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए सेम ही प्रोसेस में पहले सॉस लगा लूँगी चारों तरफ रोल की। फ्रेंड्स सॉस को ऐसे ही चारों तरफ लगा लेते हैं फिर पहले। बस फ्रेंड्स हो गया,
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं सॉसेस को चारों तरफ अच्छे से लगा चुकी हूँ। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चाट मसाला स्प्रिंकल कर देती हूँ। बस फ्रेंड्स चाट मसाला भी मैं स्प्रिंकल कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स अब मैं थोड़ी सी पेपर पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ी सी बस एक पिंच, वरना तीखा हो जाएगा ज़्यादा, थोड़ी सी स्मेल के लिए बस फ्रेंड्स, अच्छे फ्लेवर आने के लिए। मैं इसमें लेटोस लीफ रखूँगी पहले की तरह फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके ऊपर भुना मसाला रखेंगे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं भुना मसाला भी इसके ऊपर रख चुकी हूँ। अब मैं कटी हुई प्याज ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी, बस हो गया फ्रेंड्स रेडी हो चुका है। अब मैं इसको रोल कर लेती हूँ, ऐसे ही फ्रेंड्स रोल करना है हमको। बस फ्रेंड्स अब मैं इसको टिशू से अच्छी तरह से रैप कर लेती हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एग रोल की प्लेटिंग कर चुकी हूँ, कितना सुपर टेस्टी एग रोल हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। ये स्पेशली मैं जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए डेडिकेट की हूँ फ्रेंड्स, आप इसको घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोनों वेज रोल विथ भुना मसाला एंड एग रोल विथ भुना मसाला, ये जो रेसिपी आप घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव को मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय जय।